हेलो दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे WCL के अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर अभी 10 तारीख को जो पेपर आया है 3 शिफ्ट के अंदर कंबाइंड क्वेश्चंस के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया है वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा एंड उसका एक अलग से अपन वीडियो बनाएंगे। तो जो जो मेमोरी बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बने हैं वो मैंने बनाए हैं, अभी तक जितने भी बने हैं मेमोरी बेस है, इसलिए अब इसके आंसर की फाइनल आएगी, उसके बाद में इसका राइट आंसर माना जाएगा। और क्वेश्चंस एक मेमोरी बेस है तो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करें। तो अब मैं आपको बताऊंगा, आपको राइट आंसर कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है। मैं आपको मेनली क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्ट ऑफ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन होने वाले हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था सेप ऑफ बेसिलाई, जो ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है बेसिलस, उसका सेप कैसा होता है। तो इसके अंदर एक रॉड शेप के अंदर ऑप्शन था जो राइट हो सकता है। एंड एक क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बताना था, जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर मिनरल्स आता है एंड वाइटामिन आता है, मिनरल्स एंड वाइटामिन आता है। और इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आई थिंक दिए हुए थे, तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें सेलेक्ट करना था। एंड फैट सोल्यूबल्स वाइटामिन पूछे गए थे, फैट सोल्यूबल वाइटामिन सी होते हैं, इसके एग्जांपल वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के। हार्ट डिस्कवर्ड बाय, ओनली हार्ट डिस्कवर्ड लिखा हुआ था, तो उसके अंदर एक ऑप्शन था विलियम्स हार्वे, विलियम्स हार्वे राइट आंसर माना जाएगा। एंड एक क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनिमा सॉल्यूशन इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर कितनी जो एनिमा होता है उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए सॉल्यूशन की, तो उसके अंदर राइट आंसर होगा लेस देन 250 ml, आपकी राइट आंसर होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन अल्कोहल विड्रॉल पेशेंट्स, आपको उसमें अंदर बहुत सारी प्रायोरिटी थी वो बतानी थी, आपको प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा, या उसके अंदर एक्सेप्ट पूछा गया था तो वो आपको सेलेक्ट करनी थी। तो जिस साथी ने पेपर दिया तो वो बता सकता है, उसको पता होगा जरूर कि उसने कौन सा ऑप्शन राइट किया है। तो जो भी आपको क्वेश्चन याद आ रहा है इसके अलावा वो क्वेश्चन आपको कमेंट जरूर करना है। देन इसके बाद में एक क्वेश्चन और था कि इनकरेक्ट इन मैनेजमेंट ऑफ सीवियर बर्न के अंदर इनकरेक्ट मैनेजमेंट कौन सा होगा वो बताना था आपको, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था हार्ट बर्न जो एक लेडी को चेस्ट के अंदर हो रहा है, उसके प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे आपको। तो एक क्वेश्चन उसके अंदर ऑप्शन था आंसर के अंदर हेडअप का ऑप्शन था, तो चूज़ कर सकते हैं। देन इसका राइट आंसर आपको फाइनल की आंसर की में मालूम पड़ेगा, जिस साथी को आंसर की अभी बहुत जल्दी आने वाली है एंड रिजल्ट भी आने वाला है, तो जिस साथी को कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। एंड वीडियो के साथ में बने रहना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ड्रग्स कंसंट्रेशन एंड टाइम क्या होता है, दो ऑप्शन थे, एक तो फार्माको डायनेमिक्स एंड फार्माको, एक था फार्माको काइनेटिक्स, तो इन दोनों को आपको बताना है राइट आंसर कौन सा, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि इन दोनों में राइट आंसर कौन सा होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया, इसके अंदर जीरोफ थैलमिया थी, जीरोफ थैलमिया थैलमिया प्रॉब्लम थी एंड और अदर अदर प्रॉब्लम थी, रेस्पिरेटरी थी और अलग अलग प्रॉब्लम थी, बट जीरोपथैलेमिया इसका राइट आंसर हो सकता है। देन एक क्वेश्चन था यंगर ब्रदर एंगर ऑन ओल्डर ब्रदर पे, अगर गुस्सा उसको आ रहा है और उसको अब वो ओल्डर ब्रदर को कुछ बोल नहीं सकता, तो वो एब्यूज वर्ड बोलेगा किसको, वेटर को, जब एक रेस्टोरेंट के अंदर वो बैठे हैं तो वो हायर ऑब्जेक्ट से लोअर ऑब्जेक्ट पे अगर टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मलेरिया प्रिवेंशंस एंड कंट्रोल इन कम्युनिटी बेस्ट एक्शन, तो मलेरिया कंट्रोल करने के लिए आप क्या एक्शन करोगे वो आपको बताना था। इसके अंदर और भी ऑप्शन थे, स्क्रीनिंग था एंड बहुत सारे ऑप्शन थे, तो वो आपको बताना था। छिड़काव करेंगे सॉल्यूशंस का, जो छिड़काव करते हैं वो मच्छरों को मारने के लिए, तो वो आपको कमेंट करके बताना, प्रॉपर मुझे आंसर बताना है राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप के पार्ट्स पूछे गए थे, तो इसके अंदर ट्यूब था, ईयरपीस थे, देन बैंड्रोल्स, तीन ऑप्शन थे, तो आपको बताना था। ऑल ऑफ द ऑप्शन इसमें राइट आंसर था पार्ट ऑफ स्टेथोस्कोप के अंदर। देन एक क्वेश्चन था
बेबी हार्ट साउंड लिसनिंग या कैसे सुनते हैं, मतलब कौन सा मेथड यूज़ करते हैं इस मेथड का असेसमेंट का, तो ऑस्कल्टेट उसमें राइट आंसर बताना था आपको। एक क्वेश्चन था मेटाबॉलिक कैंसर कॉम्प्लिकेशन बतानी थी आपको, कीमो पेशेंट होता है, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन बतानी थी, उसके अंदर स्टोमेटाइटिस था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी और एक न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो आपको बतानी थी। इन तीनों में कौन सा ऑप्शन राइट होगा तो वो आपको बतानी थी। मेटाबॉलिक्स है तो मेटाबॉलिक्स से रिलेटेड होगी प्रॉब्लम। एंड विच प्रोग्राम इज़ नॉट इंक्लूड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया कौन सा प्रोग्राम नहीं चलाती है, तो वो आपको बताना था। एक ऑप्शन था चाइनीज एंसेफेलाइटिस UIP था, एक डायबिटी कंट्रोल था। तो इन दोनों में राइट आंसर कमेंट करके बताएं। एक था एडिस कॉज विच प्रॉब्लम, एडिस जो मच्छर होता है वो कौन सी प्रॉब्लम कॉज करता है, तो डेंगू कॉज करता है, ये आपको बताना था। एक क्वेश्चन था ब्लीडिंग रिस्क इंडिकेट, ब्लीडिंग कौन सी आपको बतानी थी, वैल्यूज बतानी थी उसके अंदर, तो उसके अंदर जो प्लेटलेट्स है वो लेस देन अगर 1 लाख आ रही तो ब्लीडिंग रिस्क पर रहता है क्लाइंट। एंड मोस्ट कॉमन मलेरिया कौन सा होता है, ओवेली होता है या वाइवेक्स होता है, कमेंट करें जरूर बताएं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसका वापस एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट वाले भी मुझे कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको डाउट है, और ये सारे मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चन हैं तो आप राइट आंसर जो है वो आंसर की आने का वेट करें कि WCL कौन सी आंसर की मानता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।